जिला डोडा के ब्लॉक काश्तीगढ़ में बीएमओ घाट ने किया दौरा। इस दौरान सामाजिक कारकुन सरनवीर सिंह ने बीएमओ घाट से की खास बातचीत। आइए देखते हैं डोडा से हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। जी सर, सबसे पहले हम अपने जेके अर्ली न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं और सबसे पहले आपका नाम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम सरनवीर सिंह है और ये हमारे कुछ युवा साथी हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि काशीगढ़ की हिस्ट्री में आज ये सुनहरा दिन है जहां हम काफ़ी टाइम से डिमांड करते थे कि डॉक्टर साहब यहाँ होने चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब आए भी यहाँ कुछ काफ़ी सालों बाद, लेकिन वो कोई उनको कोई आने का फ़ायदा ही नहीं दिखा हमको, क्योंकि ना यहाँ कोई सामान था और कल जब हम यहाँ गए थे तो डॉक्टर साहब बैठते भी नहीं थे यहाँ। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, आज कल हमारी जो कंप्लेंट थी उसके बाद सीएमओ डोडा ने बीएमओ को साहब को यहाँ भेजा और उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ बातचीत की और उस बातचीत का लास्ट में ये रिजल्ट आया कि अब डॉक्टर साहब जो हमारे यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनको अब डोडा में बुलाया गया है, उनको कुछ समझाया जाएगा कैसे पब्लिक डीलिंग की जाती है, कैसे सामान को यूज़ करना है, कैसे ये सब कुछ, और साथ साथ में ये भी बताया गया कि अब कैसे यहाँ की जो आवाम है उनसे भी डीलिंग रखनी है, कैसे उनको बुलाया जाएगा, साथ ही उन्होंने कुछ वो चीज़ें भी बोली कैसे वो कॉपरेट करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी चीज़ें ऐसी होती रहनी चाहिए, लेकिन हम भी अब पब्लिक के साथ पब्लिक को बोलते हैं कि आप भी सहयोग करें लोगों के साथ, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत अभी हॉस्पिटल के स्टाफ को ज़रूरी है कि वो लोगों के साथ संपर्क बना के रखें अच्छे तरीके से। जी सर, आपने खुद ही देखा न्यू पीएचसी सेंटर हॉस्पिटल काश्तीगढ़ की, उसकी हालत खस्ता हालत, ना उसमें पानी है, ना उसमें बिजली है, ना उसमें सर कोई स्वीपर है, लेकिन इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे सर आप? हमने ये पूरी सिर्फ बात नहीं रखी, हमने उनको दिखाया भी, बीएमओ साहब को हम साथ लेके गए और दिखाया कि यहाँ क्या खिड़कियों की हालत टूटी हुई है, क्या बाथरूम है, विजुअल्स भी हम लोगों ने वहाँ कैप्चर किए हैं, आपको भी कुछ दिए हैं। तो हमने ये देखा और बीएमओ साहब को साफ साफ दिखाया कि देखो क्या बुरी हालत है, ये किस एंगल से लगता है कि ये कोई अस्पताल है यहाँ। तो चलो ये अभी बीएमओ साहब ने हमें आश्वासन दिया कि 31 जून तक ये पूरा मसला सॉल्व हो जाएगा, जितने भी ऑपरेटर्स होने चाहिए यहाँ वो आ जाएंगे, पूरी फुल जोर हम यहाँ कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा टाइम देना चाहिए इनको भी 31 तक, शायद तब तक कुछ हो जाए, अगर हुआ तो अच्छी बात है, हम कॉपरेट करेंगे, नहीं हुआ तो हम फिर से आवाज़ उठाएंगे जैसे हमने कल आवाज़ उठाई थी। एम्बुलेंस इससे पहले यहाँ पे थी सर? एम्बुलेंस भी यहाँ थी, वो हमें सुना कि एम्बुलेंस पहले यहाँ सेंक्शन हुई थी, उसके बारे में हमने बात रखी, हमारे युवा जो हमारी जो टीम है उन्होंने रखी वो बात की एम्बुलेंस थी, फिर बीएमओ साहब ने बोला कि अभी जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं वो वहाँ से चली जाती हैं जहाँ अच्छे तरीके से काम नहीं होता, जैसे आप सब जानते थे कि अब यहाँ हॉस्पिटल इतना ऑपरेशन में नहीं होता था, लोग बाहर डोड़ा जाते थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा जाता था, एक मैसेज जाता था कि यहाँ लोग जो पेशेंट ही नहीं तो एम्बुलेंस क्या करेंगे, तो एम्बुलेंस वहाँ से ले ली गई थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि जल्दी ही एम्बुलेंस यहाँ काशीगढ़ में दिखेगी, क्योंकि अब आवाम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब अस्पताल खुल गया है, आप यहाँ आया करें, जब आवाम आएगी तो ये एक मतलब एक सिस्टम बन जाएगा, तो एम्बुलेंस भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये भी आश्वासन दिया है हमारे बीएमओ साहब ने कि यहाँ जल्द से जल्द एम्बुलेंस भी आ जाएगी। थैंक यू सो मच।